सफलता। नरेश ने 1050 रुपए के निवेश से शुरू किया सुआ पालन, एक साल में कमाया 1.5 लाख का मुनाफा। प्रदेश सरकार की योजना के तहत बुधान के नरेश कुमार ने सब्सिडी पर लिए सुआ के 2 यूनिट। प्रदेश सरकार की अनेकों योजनाएं वरदान बनकर लोगों की आजीविका में सहायता कर रही हैं। पशुपालन विभाग के माध्यम से चलाई जा रही सुआ पालन योजना भी एक ऐसी हो योजना है जिससे अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है। ऊना जिला के बनगाना उपमंडल के अंतर्गत पड़ते गांव नेरी ग्राम पंचायत बुधान के नरेश कुमार ने कोरोना संकट के बीच गाड़ी चलाने का कार्य छोड़कर सुअर पालन का व्यवसाय अपनाया और आज बेहतर ढंग से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। नरेश बताते हैं, पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने मुझे सुअर पालन के लिए प्रोत्साहित किया। गत वर्ष मात्र 1050 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 2 यूनिट सुअर लिए थे, बाकी की धनराशि सरकार ने सब्सिडी के रूप में दी। वर्तमान में वह 65 सुअरों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 40 सुअरों की सेल भी की है जिससे उनको लगभग 1.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सुआ पालन योजना के तहत 1 यूनिट लेने के लिए किसान को बहुत कम धनराशि खर्च करनी पड़ती है। इस योजना के तहत किसान को लागत का केवल 5% खर्च ही वहन करना है। सुआ पालन के लिए 90% सब्सिडी केंद्र सरकार तथा 5% सब्सिडी प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही है। प्रत्येक लाभार्थी को 3 मादा तथा 1 नर सुआ उपलब्ध करवाया जाता है, बाजार में जिनकी कीमत लगभग 17,000 रुपये है। इसके अलावा किसान को 4,000 रुपये की दवाएं, फीड तथा आवश्यक उपकरण भी साथ प्रदान किए जा रहे हैं। नरेश कुमार ने कहा, पशुपालन विभाग सुअर पालन में काफी सहयोग दे रहा है। विभाग के अधिकारी समय समय पर आकर निःशुल्क दवाइयां, फीड व अन्य उपकरण उपलब्ध करवाते हैं। अब मुझे शेड बनाने के लिए भी 1.5 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जिसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर का धन्यवादी हूँ। उन्होंने बेरोजगार युवाओं को सरकार के माध्यम से चलाई जा रही स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आमदनी बढ़ाने की अपील की है ताकि वह भी आत्मनिर्भर बन सकें। पशु चिकित्सालय लठियाणी के प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष नरेश कुमार को सरकार ने 2 यूनिट सुअर देकर इस व्यवसाय से जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालय लठियाणी के तहत इस योजना के अंतर्गत 6 यूनिट सुअर और भी दिए हुए तथा सभी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पशु पालन में विभाग हर प्रकार से सहायता करता है। पशुओं के लिए निःशुल्क उपचार तथा कृमिनाशक दवाएं घर द्वार पर दी जाती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सुअरों की कई नस्लें व्यावसायिक तौर पर पालन के लिए उपयुक्त हैं, जिनमें व्हाइट यॉर्कशायर, लैंडरेस तथा मिडल व्हाइट यॉर्कशायर शामिल हैं। उपमंडल बनगाना के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतिंदर ठाकुर ने बताया कि एक सुअर की अधिकतम आयु 5 वर्ष होती है, जबकि एक मादा सुअर 1 साल के बाद वर्ष में 2 बार गर्भ धारण कर सकती है और 1 बार में अधिकतम 12 बच्चों को जन्म दे सकती है। मादा सुअर अधिकतम 4 साल की आयु तक गर्भ धारण कर सकती है, बाद में इसे भी मीट के लिए प्रयोग किया जा सकता है। साल भर में पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त होने वाले शिशु से एक लगभग 70 से 80 किलोग्राम तक मांस प्राप्त किया जा सकता है। बाजार में सुअर का मांस लगभग 240 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। एक शिशु बाजार में 2000 रुपये और पूर्ण परिपक्व सुअर 10,000 रुपये तक बिकता है। इस योजना में निवेश की लागत कम है और लाभप्रदता बहुत ज्यादा है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं से पशु पालन विभाग की योजनाओं को लाभ लेने के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करने की अपील की है। वहीं ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना संकट में पशु पालन का व्यवसाय लोगों की आजीविका का एक प्रमुख साधन बना है। बहुत से लोग बकरी पालन, सुअर, मुर्गी तथा डेयरी फार्मिंग के कार्य से जुड़े हैं। किसान अच्छी नस्लों के पशु पालें ताकि उन्हें भरपूर लाभ मिल सके। विभाग के अधिकारी इसमें पूर्ण सहयोग करते हैं। पशु पालन के लिए शेड बनाने को मनरेगा के माध्यम से भी मदद की जाती है। मेरा नाम नरेश कुमार उर्फ काकू, मैं नेरी का रहने वाला हूँ और पहले मैं ड्राइवरी करता था।
मुझे डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि आप घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो इन्होंने हमारे को बोला कि 1,050 रुपये जमा करवाओ। आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ जी। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, इन्होंने गरीबों के लिए ये रोजगार चलाया है, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश कुमार जंगा, पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी पशु चिकित्सालय लुठियाणी। हमने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान श्री नरेश कुमार को 2 यूनिट शोरूम के दिए थे, और इन दोनों भाइयों ने बेरोजगार थे, युवा हैं, और जिन्होंने अच्छे पशु रखे हुए हैं या सूर रखे हैं या मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो उनका शेड निर्माण में जल्दी से जल्दी सहयोग करने की कृपा करें। मैं डॉक्टर सत्येंद्र ठाकुर, उपमंडल पशु चिकित्सा अधिकारी बगाना। आज हम इस पिग फार्म पे आए हैं। इस तरह करके हमारे उपमंडल में 10 यूनिट दिए गए थे और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैसे कि हमारे इस प्रोग्रेसिव किसान ने बताया कि लगभग 1.5-2 लाख का इसने रखी है। उन ग्रासेस की जो सैपलिंग जो है, उनकी जो रूट्स जो है, हम किसानों को दे रहे हैं। जैसे इनको भी हमने 50-60 रूट्स जो है वो देनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ताकि जो इनका खर्च है। पिछले वर्ष हमने हरोट गांव में एक किसान को 3+1 का यूनिट सुअर पालन में दिया था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल यूनिट रहा। आज जहां 1 वर्ष के बाद उसके पास करीब 52 के करीब जो है वो जो है वो सुअर हो गए हैं। यानी कि अगर हम देखें तो एक किसान को उन 4 के यूनिट से जो है वो करीब 2-2.5 लाख रुपए जो है वो उसमें कमा सकता है। लोगों को जो है वो शेड भी मनरेगा के माध्यम से 1 लाख रुपए का बना करके विभाग जो है उस किसान को देगा, और इसके साथ जनरल कैटेगरी में भी हम 60% अनुदान जो है वो पोल्ट्री, गोट्री और पिगरी के ऊपर जो है तो किसानों को देंगे। इस बार हम करीब 17 करोड़ रुपए की बकरियां जो है वो किसानों को उपलब्ध करवाई। पूना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ राजनीतिक संवाददाता विपिन साजन की रिपोर्ट।